हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ वैसे बढ़िया होंगे। स्टूडियो में दोस्तों बात करेंगे, जो ECS T10 का मैच खेला जाएगा यहाँ से भाई, BBL वर्सेज OVR के टीम्स के बीच में, इसको कवर करेंगे दोस्तों स्टूडियो में। तो पूरा वीडियो देखिएगा, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी, सभी प्लेयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और एक चीज ध्यान रखिए, देखो ये T10 मैच है, ठीक है, और वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे एक चीज बोलना चाहूंगा भाई, T10 मैचेज जो रहेंगे ना वो आपके लिए हमेशा थोड़े रिस्क मैचेज रहेंगे, खासकर आपके जो स्मॉल लीग की टीम रहेगी उसके लिए, ठीक है। तो जितना हो सके भाई आप लोग ECS T10 के मैचेज में ना अपनी ग्रैंड लीग की टीम पर थोड़ा ज्यादा फोकस करके चल सकते हो। स्मॉल लीग में मेरा पर्सनली ये आपको सजेशन रहेगा कि भाई आप लोग कम से कम इन्वेस्टमेंट करके चलो, क्योंकि T10 मैच में ना तो प्लेयर के बैटिंग ऑर्डर का कोई भरोसा, भाई कौन सा प्लेयर कब पोजीशन पे बल्लेबाजी करने आ जाए, हर मैच में ऑलमोस्ट इनके बैटिंग ऑर्डर आपको चेंज होते हुए दिख जाएंगे। दूसरी चीज, इनके जो मेन गेंदबाज रहेंगे शायद वही पूरे दो ओवर गेंदबाजी ना करके जाए, तो T10 थोड़ा रिस्क की मैचेज है। बाकी मैं आपको सभी प्लेयर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगा, कौन से प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर क्या हो सकता है, उनके रिसेंट स्टैट्स किस प्रकार के भाई T10 के, कौन सा प्लेयर ऐसा है जो भाई आपकी 11 प्लेयर की टीम में बिल्कुल सही बैठेगा, और कैप्टनशिप वाइस कैप्टनसी के सबसे बेस्ट ऑप्शन में कौन से प्लेयर्स को लेके चलोगे, आज के मैच में एज ए ट्रंप प्लेयर आप लोग अपनी टीम में किसको ले सकते हो, ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर की जाएगी, जिससे आप लोग अपनी स्मॉल लीग की टीम के साथ साथ भाई अपनी ग्रैंड लीग की टीम में भी बेहतर टीम कॉम्बिनेशन बना पाओगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मिस नहीं करनी। फिर से बता दूं, ECS T10 का ये मैच खेला जाएगा जो कि BBL वर्सेस OVR की टीम्स के बीच में खेला जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, सबसे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, आने वाले किसी भी मैचेस के वीडियोस आपको नहीं करने। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, और टेलीग्राम चैनल के साथ में नहीं जुड़े तो भाई टेलीग्राम चैनल आपको जरूर ज्वाइन करना है। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, सबसे ऊपर आपको टॉप में एक पिंड कमेंट मिलेगा, वहां पे लिंक है टेलीग्राम का, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। टॉस के बाद कोई भी अपडेट्स होंगे, फाइनल टीम में कोई भी चेंज करना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पे, ठीक है, आपको सारी अपडेट जो भी फाइनल टीम रहेगी, ग्रैंड लीग की टीम में रोटेशंस किस प्रकार करोगे, ये सारी चीजें टॉस होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट करी जाएंगी। तो कमेंट सेक्शन में लिंक है दोस्तों, सिंपली जाइए, सबसे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल के साथ में ज्वाइन जरूर से कर लीजिए। मैच की बात करते दोस्तों, ECS T10 का मैच खेला जाएगा BBL वर्सेज OVR की टीम्स के बीच में। देखो पिच रिपोर्ट जो रहेगी ना उसके बारे में मैं यहाँ पे कोई ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि T10 के मैच में पिच रिपोर्ट का कोई रोल नहीं है, बताने को मैं बता सकता हूं लेकिन भाई 2-4 मिनट आपके ही खराब होंगे, लेकिन उस चीज से आपको बेनिफिट कोई ज्यादा नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये जेन्युइन चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बढ़िया मैचेस होते हैं, मैं आपको वहां पे खुद पिच रिपोर्ट बताता हूं भाई किस प्रकार विकेट हो सकता है, कौन सी टीम को ज्यादा फेवर हो सकता है, बल्लेबाजी इंपॉर्टेंट हो सकती है, गेंदबाजी इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो T10 मैच में देखो पिच रिपोर्ट का कोई रोल नहीं है, जो भी प्लेयर आएगा सीधा सीधा हार्ड हिटिंग करेगा, या तो भाई रन आ जाएंगे उसके बल्ले से अगर बढ़िया टाइमिंग होगी, अगर नहीं बने तो भाई फिर उसका विकेट जल्दी चला जाएगा, तो पिच का कोई रोल है नहीं एक्चुअल में, और जेन्युइन चीज यही रहेगी, ठीक है, फालतू में आपका टाइम खराब नहीं करूंगा, सीधा टीम सिलेक्शन की बात करेंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन में आऊंगा। पहली ऑप्शन देखो यहां पे जरीके की आपको मिल जाएगी, ठीक है, बढ़िया प्लेयर आपको मिलेगा, शायद आपको टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करता हुआ दिख सकता है। देखो दोनों टीम्स के लगभग 20-22 प्लेयर का स्क्वाड है, ठीक है, अभी कंफर्म ये नहीं कि कौन से 11 खेलेंगे, बट जो बेस्ट 11 हो सकते हैं मेरे अकॉर्डिंग आपको उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर यहां पे जरीके की मैं बात करूंगा दोस्तों, इनके स्टैट्स की, तो 34 मैच खेल चुके भाई, 485 रन से 16 का एवरेज और 13 विकेट भी इसके नाम है, मतलब गेंदबाजी बल्लेबाजी दोनों कर सकते हैं, विकेट कीपिंग सेक्शन का प्लेयर है, ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट चॉइस आपको मिलेगा, सिलेक्शन भी देख पाओगे 86% है, और इनको आप लोग अपनी टीम में चाहो तो एज ए ट्रंप प्लेयर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस पे भी रख सकते हो, ठीक है, तो सबसे बेहतर प्लेयर आपको मिल जाएगा। उसके बाद में अगर बात करूं भाई मैथानी की, तो मैथानी भी एक बढ़िया प्लेयर आपको मिलेगा विकेट कीपिंग सेक्शन में, इनके भी स्टैट्स आपको बाकी प्लेयर के कंपैरिजन में थोड़े से इंप्रेसिव जरूर दिखेंगे। अगर यहां पे मैं बात करूं मैथानी की, तो मैथानी भी आपको शायद टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करके दे सकता है, ठीक है, अगर इनकी बात करें तो 42 मैच ये खेल चुके भाई, 621 रन है, 22 का इनका एवरेज है, गेंदबाजी ये भी कर सकते हैं बट रेगुलर गेंदबाज नहीं है, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है, अगर टीम चाहे तो बीच में एक आध ओवर निकलवा सकते हैं, वैसे तो दो ही ओवर डाल सकता है कोई भी प्लेयर T10 मैचेस में, बाकी टीम चाहे तो एक ओवर करवा सकते हैं लेकिन उसके चांस थोड़े से कम रहेंगे, तो सिर्फ आप लोग एज ए बल्लेबाज ले सकते हो, आपके लिए सेफ विकल्प में चले जाएंगे अगर आप लोग मैथानी के साथ में जाना चाहो तो। बाकी उसके बाद में पालमर की बात करें, तो पालमर के आंकड़ों की बता दूं भाई, 14 मैच खेल चुके हैं, 201 रन है, 20 का इनका एवरेज और 2 विकेट इनके नाम है, डिफरेंशियल चॉइस में अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज छोड़ सकते हो, क्योंकि भाई दो ऑलरेडी आपको बढ़िया विकल्प मिल जाएंगे विकेट कीपिंग सेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में अगर एस रावत की बात करें, तो इनके बारे में भाई देखो उतने कुछ खास इंप्रेसिव आंकड़े हैं नहीं, 8 मैच में केवल 18 रन है, 3 विकेट इनके नाम है, लेकिन ये भी रेगुलर गेंदबाज नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, बल्लेबाजी बेस पे कुछ खास परफॉर्मेंस वैसे भी नहीं है, तो मैं फिलहाल टीम में नहीं रखूंगा। अजीज की बात करेंगे, अजीज के भाई देखो कोई स्टेट्स अवेलेबल नहीं है, तो इनके बारे में नहीं कह सकता किस प्रकार के प्लेयर है। दो प्लेयर आपको बिल्कुल परफेक्ट मिलेंगे, जेरी और मैथानी, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग अगर डिफरेंशियली जाओ तो पालमर के साथ में आप लोग बैक कर सकते हो, ये चॉइस आपकी रहेगी। उसके बाद में चलेंगे दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, सबसे पहले अगर बात करें स्टैट्स की, और ये देखो 83% सेक्शन में चल रहे हैं, आंकड़े ठीक ठाक है, उतने ज्यादा इंप्रेसिव भी नहीं है, उतने ज्यादा खराब भी नहीं है। अगर मैं इनकी बात करूंगा, तो 10 मैच ये खेल चुके हैं,
110 रन इनके नाम है, 22 का इनका एवरेज और एक विकेट इनके नाम है। नॉर्मल परफॉर्मेंस है, गेंदबाजी ज्यादा नहीं करेंगे, वही चीज अगर टीम चाहे कुछ अलग करना तो बीच में शायद एक ओवर करवा ले, अदरवाइज उसके भी चांस थोड़े से कम है। तो सिर्फ आप लोग एज ए बल्लेबाज लेना चाहो तो ले सकते हो, ये चॉइस आपकी रहेगी। उसके बाद में अगर बात करें भाई ए साथी की, जो कि बीबीएल की टीम के साइड से आपको दिखेंगे दोस्तों, और साथी के जो आंकड़े हैं वो जेन्युइनली काफी ज्यादा इंप्रेसिव आंकड़े, और ये बंदा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी डिजर्व करके चलेगा। अगर बात करें साथी के स्टैट्स की, 49 मैच खेल चुके, मतलब 49 मैच ये खेल चुके T10 में, 613 रन है, जो कि अपने आप में एक चीज मायने रखती है। उसके बाद बात करें तो लगभग 17 का एवरेज है, और 17 के एवरेज के साथ साथ 20 विकेट भी इनके नाम है, 17 का एवरेज है, 20 विकेट है, बढ़िया प्लेयर आपको मिल रहे हैं। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी डिजर्व करके चलेंगे तो स्टार मार के चलेगा, सभी प्लेयर के बारे में बता रहा हूं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर जे कैबल की बात करें, कैबल के आंकड़े नॉर्मल आपको दिखेंगे, 4 मैच खेल चुके, 101 रन है, 50 का एवरेज है, 3 विकेट है, 4 मैच में 101 रन, 50 का एवरेज नॉर्मली नहीं बनेगा, बट नोट आउट गए हैं तो उस वजह से थोड़ा सा एवरेज आई है। बाकी मैं आपको ये बोलूंगा, अगर आप लोग ट्रंप कार्ड प्लेयर में ट्राई करना चाहो अपनी जीएल की टीम में या फिर अपनी एसएल यानी कि स्मॉली की टीम में, तो आप लोग इनको लेके चल सकते हो स्मॉली की टीम में, थोड़ा सा रिस्की भी हो सकते हैं बट आपके लिए ट्रंप कार्ड ऑप्शन भी बन के जा सकते हैं, तो रिस्क उठाओ तो ही रखिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके बाद में जी सिंह की बात करूंगा, आंकड़े उतने इंप्रेसिव तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप लोग रिस्क उठा के 14% सिलेक्शन के हिसाब से चलना चाहो ना तो फिर लेके चल सकते हो। आंकड़े एक बारी मैं आपको बता देता हूं, जे सिंह की बात करें दोस्तों, 16 मैच खेल चुके हैं, ठीक है, 212 रन है, 19 का एवरेज और 6 विकेट इनके नाम है, मतलब एक ऐसा प्लेयर बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर सकता है, बट मे भी आपको रेगुलर गेंदबाजी करके ना दे, तो रिस्क उठाओ तो सिर्फ एज ए बल्लेबाज, अदरवाइज छोड़ के चलो, चॉइस आपके। ट्रंप कार्ड में लेना चाहो तो 14% सिलेक्शन है, रिस्क उठा के एज ए ट्रंप प्लेयर ट्राई कर सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग में शायद थोड़ा रिस्की बन जाए, तो कोशिश करिए आप लोग अपने जीएल की टीम में इनको एज ए ट्रंप प्लेयर ट्राई कर पाओ, ठीक है, क्योंकि जीएल की टीम में मैनी कॉम्बिनेशन आप लोग बना सकते हो, और ऐसे प्लेयर उठाओ कम से कम 4-5 जिनका सिलेक्शन कम है लेकिन वो प्रॉपर या तो बल्लेबाजी आपको दे या फिर वो प्रॉपर आपको गेंदबाजी डाल के दे। उनमें दो नाम आपको मिल जाएंगे, कैबल का मिल जाएगा और यहां से भाई मिल जाएगा जी सिंह का, ठीक है, जो आपकी ग्रैंड लीग की दो ट्रंप कार्ड ऑप्शंस हो सकती है। उसके बाद में बात करें कनीवर्टन की, 8 मैच है, 90 रन है, 15 का एवरेज है, ओन एन एवरेज से भी नीचे कहूंगा, उतना कुछ खास है नहीं। ए कुमार की बात करें बीबीएल की टीम के साइड से, तो इनके आंकड़े भी उतने इंप्रेसिव नहीं है, 21 मैच में केवल 64 रन है, 12 का एवरेज है, 3 विकेट है, थोड़ा सा कमी परफॉर्मेंस में मानू। उसके बाद में अगर वोसलो की बात करेंगे तो इनके स्टैट्स में भी उतना कुछ खास है नहीं, 13 मैच में केवल 133 रन है, ठीक है, 22 का एवरेज है, 2 विकेट है, नॉर्मल से भी नीचे का मैं परफॉर्मेंस कहूंगा, उतना हाई लेवल का कोई परफॉर्मेंस है नहीं कि भाई इनको टीम में बैक किया जाएगा, तो मैं तो फिलहाल नहीं रख रहा हूं अपनी, खासकर स्मॉली की टीम की अगर बात करूं, ठीक है। पी कल्याण की बात करें, इनके आंकड़े उतने इंप्रेसिव नहीं है, 8.5 का एवरेज है, फिलहाल छोड़ दीजिए। क्रेक की बात करेंगे तो क्रेक के जो ओवीआर की टीम के साइड से आंकड़े, 2 मैच में 10 रन से, उतना इंप्रेसिव है नहीं, छोड़ दो, ये 2-3 प्लेयर आपके किसी काम के नहीं बनने वाले। उसके बाद में नीचे आएंगे तो आपके पास में सी जैन की ऑप्शन है, जैन के आंकड़े भी उतने कुछ खास नहीं, 16 मैच में केवल 17 रन से, 2 विकेट है, तो फिलहाल छोड़ के चलेंगे ना, स्मॉली की टीम के हिसाब से मुझे लग रहा है कि ज्यादा बेनिफिशियल पिक हो सकते हैं, या फिर भाई ना तो ग्रैंड लीग की टीम के हिसाब से शायद आपके लिए उतना बेनिफिशियल बने। उसके बाद में अगर जी वी प्रसाद, देखो एक ऐसा प्लेयर जिसका सिलेक्शन मात्र 3% है, स्टार मार लो इस प्लेयर पे, अगर खेले इस मैच में खेले या फिर आगे किसी भी मैच में खेले, आपके लिए बढ़िया ट्रंप कार्ड ऑप्शन बन के जाएगा, 3% सिलेक्शन है, बट एक चीज बता दूं इस प्लेयर के बारे में भाई, ये देखो T20 इंटरनेशनल भी खेल चुका है, ध्यान रखिए इनके आंकड़े एक बार मैं आपको बता दूं, शायद आप लोग खुद इंप्रेस हो जाओ इनके आंकड़ों के साथ में, 55 मैच ये T20 इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद में 1209 रन कर रखे हैं, 26 का इनका एवरेज और लगभग विकेट भी देखोगे तो 39 ये विकेट निकाल चुके हैं T20 इंटरनेशनल लेवल पे, सिलेक्शन मात्र 3% है, किसी को ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी नहीं, तो आपके लिए ये प्लेयर बढ़िया ट्रंप कार्ड ऑप्शन में जा सकता है भाई, चाहो तो इवन कैप्टनसी या फिर वाइस कैप्टनसी में भी आप लोग इनको एज ए ट्रंप प्लेयर अपनी टीम में जगह दे सकते हो, चॉइस आपकी है, स्टैट्स मैंने आपको बता दिए, ठीक है। उसके बाद में नीचे बात करें जे पांडे की, पांडे के भी आंकड़े कुछ खास नहीं है, छोड़ दो फिलहाल। स्कैमडिट की बात करें, विजलिन की बात करें, ये उतने कुछ खास इंप्रेसिव आंकड़े मुझे नहीं दिख रहे, और नीचे से सिमोट्स या फिर के सिंह उतने लाइक प्लेयर है नहीं, तो स्टैच और यहाँ पे साथी दो प्लेयर आ जाएंगे, डिफरेंशियली जाओगे केबल है, जी सिंह आपके पास में रहेंगे। ए कुमार के आंकड़े देखो उतने इंप्रेसिव थे नहीं, लेकिन यहां से आपके मिल जाएंगे भाई वी प्रसाद, ठीक है, इनके साथ में जरूर आप लोग अपनी टीम में एज ए ट्रंप प्लेयर जाके खेल सकते हो, इनके आंकड़े मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अभी चलते दोस्तों एक बार सीधा सीधा हम लोग यहां से भाई ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले एनगिल के बारे में बात करें ओवीआर की टीम की साइड से, तो गिल की अगर आंकड़ों की मैं बात करूंगा दोस्तों,
तो एनगिल के जो आंकड़े हैं ना वो मुझे ओवीआर की टीम की साइड से उतने इंप्रेसिव नहीं दिख रहे हैं। बाकी मैं एक बार आपको चीजें क्लियर करके बता भी देता हूं कि किस प्रकार के आपको स्टैट्स मिलेंगे। एनगिल की अगर बात करूं तो बल्लेबाजी बेस पे सबसे पहले बल्लेबाजी में देखोगे 8 मैच में भाई 191 रन है, ठीक है, 23 का इनका एवरेज है। विकेट की बात करें तो 4 विकेट इनके नाम है, ठीक ठाक आंकड़े मुझे दिख रहे हैं। और प्रॉपर एक बल्लेबाज और प्रॉपर एक गेंदबाज शायद आपको ये करता हुआ दिखे, तो उस वजह से फिलहाल मैं टीम में रखूंगा। सिलेक्शन भी 88% है, तो देन आप लोग लेके चल सकते हो। वीबिस्ट की बात करेंगे जो कि अगला प्लेयर का बीबीएल की टीम के साइड से, बिस्ट के आंकड़े उतने इंप्रेसिव नहीं है। 8 मैच में ना तो कोई रन है भाई ना कोई विकेट है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इनके रिसेंट फॉर्म या फिर अकॉर्डिंग टू स्टैट्स मैं आपको ये बता रहा हूं। बाकी इस मैच में अगर टीम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इनको रोल दे तो शायद ये थोड़ा इफेक्टिव प्लेयर बनते चले जाए। अगर आप लोग हाई सिलेक्शन में जाना चाहो तो वीबिस्ट को 83% सिलेक्शन में रख लो। बाकी आंकड़ों के अनुसार मुझे उतने इंप्रेसिव ये प्लेयर अभी तक तो नहीं दिख रहे हैं, मैं आपको जेन्युइनली ये चीज बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में जे एंडरसन जो कि ओवीआर की टीम की साइड से आ जाएंगे, 4 मैच में केवल 57 रन है, 19 का एवरेज है, सिलेक्शन अभी भी थोड़ा सा हाई है। तो अगर आपको सिर्फ हाई सिलेक्शन टीम बनानी है ये दोनों प्लेयर आप लोग लेके चल सकते हो। फिलहाल में अकॉर्डिंग टू इनके स्टैट्स भाई टीम में जगह मेरी में नहीं बन रही है। उसके बाद में बात करें दोस्तों वी रेड्डी की, वी रेड्डी 4 मैच में 7 रन से उतने इंप्रेसिव है नहीं। स्टुअर्ट की अगर बात करें ओवीआर की टीम की साइड से, 7 मैच में 87 रन से 3 विकेट है। डिफरेंशियल चॉइस में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद में अगर हिट्स की बात करेंगे, इनके आंकड़े देखोगे तो 33 मैच में 129 रन है और 31 विकेट इनके नाम है। 13% सिलेक्शन में एक बढ़िया प्लेयर आपको मिल रहा है जो कि एक प्रॉपर बल्लेबाज और प्रॉपर आपको गेंदबाजी बेस पे अच्छे खासे पॉइंट्स करके दे सकता है। ऐसे प्लेयर जिनकी आंकड़ों के अनुसार उनके अगर लेवल देखोगे सिलेक्शन का तो वो काफी हाई है, लेकिन ये ऐसे प्लेयर है जिनका सिलेक्शन का लेवल काफी कम है, परसेंटेज काफी कम है, लेकिन इनके स्टैट्स उतने ही इंप्रेसिव मुझे दिख रहे हैं, तो मैं एज ए डिफरेंशियल इनको अपनी टीम में बैक करके चल रहा हूं। फिलहाल ये ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों एस सिंह की, देखो एस सिंह 4% सिलेक्शन में, लेकिन एस सिंह के आंकड़े जो है वो मुझे काफी बढ़िया दिख रहे हैं। बता भी देता हूं भाई, 34 मैच में रन केवल 64 है, ठीक है, बट ये 5 के एवरेज के साथ में विकेट 21 इनके नाम है। गेंदबाजी बेस पे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं ना कि बल्लेबाजी बेस पे, तो आप लोग अपनी टीम एज ए डिफरेंशियल दे सकते हो। 21 विकेट 33 मैच में मायने रखते चीजें, मतलब एक रेगुलर गेंदबाजी दे सकता है आपको, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एन बक्सी के स्टैट्स नहीं है, मोइडू की बात करें उतने कुछ खास इंप्रेसिव मुझे नहीं दिख रहे हैं। वी शेक की बात करेंगे तो इनके भी आंकड़ों में मुझे वो चीज नहीं दिखेगी अगर मैं ओवीआर की टीम की साइड से बात करके चलूंगा, तो फिलहाल इनको मैं छोड़ के चल रहा हूं भाई। बिस्ट की बात करें छोड़ दो, हिल्ली को छोड़ दो। हरले की बात करेंगे दोस्तों, हरले के आंकड़े अवेलेबल नहीं है, वी नेगी को छोड़ के चल सकते हो। फिलहाल ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे तो गिल एक सेफ विकल्प है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेक्शन बिस्ट एंडरसन दोनों आप लोग ले सकते हो अगर आपको सिलेक्शन बेस टीम बनानी है, ठीक है। इनकी जगह मैं बैक करके चल रहा हूं भाई हिट्सी को और यहां पे एस सिंह को इनके स्टैट्स के बेस के ऊपर, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगर आप लोग सेफली जाओ तो इन दोनों के साथ में या फिर इन तीनों के साथ में जा सकते हो, ये चॉइस आपकी रहेगी। फिलहाल मैं जाऊंगा एक बार बॉलिंग सेक्शन के अंदर, यहां से भाई देखो लॉरेंस के बारे में अभी कोई स्टैट्स मुझे अवेलेबल नहीं दिखे इनके, मैं आपको बता दूं। उसके बाद में ओल्टन को फिलहाल छोड़ दो। डोभाल की बात करें, डोभाल के स्टैट्स मुझे ठीक ठाक दिख रहे हैं, ठीक है, 33 मैच में 17 विकेट है, तो फिलहाल मैं इनके साथ में जाऊंगा। उसके बाद में जुबर के छोड़ के चल सकते हो। डी नेगी के आंकड़े की अगर बात करें तो 22 मैच में 17 विकेट है, मतलब एक रेगुलर गेंदबाजी आपको मिल सकती है, पूरे दो ओवर में शायद ही आपको डाल के दे, तो फिलहाल मैं इनके साथ में जाऊंगा। उसके बाद में एल टक की बात करें, आंकड़े नहीं मिले भाई। मेहरा की बात करेंगे तो उतने कुछ खास इंप्रेसिव स्टैट्स आपको बीबीएल की साइड से नहीं दिखेंगे, और नीचे आएंगे तो बर्गर या फिर पवार के स्टैट्स भी उतने कुछ खास इंप्रेसिव है नहीं, ठीक है। नीचे आएंगे राय को छोड़ सकते हो। एस रेड्डी ओवीआर की टीम की साइड से अगर बात करें तो उतना इंप्रेसिव है नहीं, बोल्ट को छोड़ सकते हो। अभी भी देखोगे तो देखो लॉरेंस ओल्टन अगर इनके स्टैट्स अवेलेबल रहेंगे, अगर इनके बारे में कंफर्म हो जाएगा इनके स्टैट्स के बारे में कि भाई एग्जैक्ट वो स्टैट्स हैं, तो मैं आपको अपडेट करूंगा, ठीक है। फिलहाल कंफर्मेशन नहीं है इसलिए मैं आपको इनके स्टैट्स नहीं दे रहा हूं। अभी भी आप लोग सेफली अगर जाना चाहो तो आपके पास में विकल्प बिस्ट और एंडरसन की आ जाएगी और रेड्डी की आ जाएगी। यहां से भी आप लोग अपना इजिली अब 11 प्लेयर का टीम सिलेक्शन करके चल पाओगे, ठीक है। तो मेरी टीम में अभी देखोगे फिलहाल वो 11 प्लेयर आ चुके हैं, जो कि मैं आपको एक बार यहां से दिखा देता हूं। आप लोग देख पाओगे मेरी 11 प्लेयर की टीम बन चुकी है, ठीक है। दो प्लेयर मैंने देखो यहां से अगर मैं बात करूं हिट्स की और भाई एस सिंह, दो ऐसे लो सिलेक्शन प्लेयर मैंने रख रखे अपनी टीम में जो कि एक ट्रम्प कार्ड प्लेयर का रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आपको ये प्लेयर नहीं चाहिए ना तो हाई सिलेक्शन में जाके जो आपको बोलिंग सेक्शन में दो प्लेयर दिख रहे हैं टॉप के, वो आप लोग अपनी टीम में बैक कर लो, ये चॉइस आपकी है। बट उनके स्टैट्स के बारे में अभी मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूं, इस वजह से वो प्लेयर मैंने आपको सजेस्ट नहीं करे। बाकी टॉस के टाइम तक आपको मैं फाइनल अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करेंगे तो आई थिंक ऑलराउंडर सेक्शन जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट सेक्शन
सिलेक्शन हो सकता है T10 मैच में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का। यहां से गिल को ट्राई कर सकते हो, बिस्ट है भाई एंडरसन आपके पास में आ जाएंगे। ऊपर से अगर बात करूं तो साथी के आंकड़े काफी बढ़िया थे जो कि मैंने आपको दिखा दिए, बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों कर सकते हो, तो इनको भी आप लोग एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन की सेफ ऑप्शन में लेके चल सकते हो। ये जो चार प्लेयर है दोस्तों फिलहाल मैं इनको एज ए सेफ आपको सजेस्ट करूंगा कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पे, क्योंकि T10 मैचेस वैसे भी थोड़ा सा रिस्की होते, तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगा कि आप लोग थोड़ा सेफली खेलो आपके लिए बेहतर रहेगा, ज्यादा बड़े रिस्क मत उठाओ। रिस्क उठाने तो फिर नॉर्मल प्लेयर पर उठाओ भाई, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी पे ज्यादा बड़े रिस्क मत उठाइएगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन आपको रहेगा, ठीक है। डिफरेंशियल में आप लोग यहां से जेरिके को कर सकते हो, बाकी गेंदबाजी सेक्शन से आप लोग चाहो तो अदर किसी को ट्राई कर सकते हो, ये चॉइस आपकी है। तो ये मेरी फिलहाल 11 प्लेयर की टीम है, बाकी अगर चेंजेस वगैरह होंगे इस टीम में तो फाइनल टीम आपको टॉस होने के टाइम पे ना टेलीग्राम पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, कमेंट सेक्शन में जाओ सबसे ऊपर पिंड कमेंट आपको मिल जाएगा, लिंक दे रखा है भाई, क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं भाई वीडियो आपने कंप्लीट वॉच किया होगा, भाई पसंद आया तो यार देखो वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा, आने वाले किसी भी मैचेस के वीडियोस आपको मिस नहीं करने। मिलते हैं दोस्तों अगले मैच के वीडियो में, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस मैच में एक बढ़िया टीम सिलेक्शन करोगे और आपकी टीम अच्छा परफॉर्म जरूर करेगी।